कौन क्या करता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं, अपोनेंट टीम क्या करती है हमारे लिए। हमें अपने गेम पे ध्यान देना है, हमें अपनी अपने जो गेम में इम्प्रूवमेंट है उनको ध्यान देना है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारा स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है, क्या लूज पॉइंट हो सकता है, हमें वो सोचना, ना कि दूसरी टीम का सोचना कि आप हमारे किस स्टेप पे आप निगाह रखते हैं, किस पे नहीं रखते हैं। हमारा जो काम है वो हमें करना है, डजंट मैटर को क्या सोचता है क्या नहीं। जैसे कि अब आज एक स्टंप बाइक पे सुना कि विजय को भी जब स्लेज कर रहे थे तो विराट के बारे में कर रहे थे। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पार्ट ऑफ द गेम है, आप इन चीजों को पर्सनल ना लीजिए, क्योंकि अगर स्लेज नहीं होगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा, पब्लिक को भी मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा एग्रेशन होगा तो शायद मैच में और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, पब्लिक भी देखने के लिए आती है। तो मेरे हिसाब से ये तो पार्ट ऑफ द गेम है और होना भी चाहिए। It's just about trying to score runs as probably quickly as we could. We knew it was going to be nice to bowl them once we got the new ball in hand, and yeah, we managed to get a few together, and which was fun, and frustrate the Indian team a bit longer. So yeah, it was quite fun out there at stages. I think it's more in the heat of the moment. It's definitely not a ploy to attack any batsman at any stage. It's more of a heat of the battle, and but I think it's been really good so far. Just some good banter out in the middle between both sides.